आज है 31 लास्ट डे अगस्त का, तो आज हम जो है नॉर्मल वीडियो नहीं बना रहे हैं, जो कुकिंग की बनती है वो नहीं बना रहे। आज मैं कुछ आपके सामने कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरी कढ़ाई है एल्युमिनियम की, छोटी सी है, क्यूट है। जब ली थी तब तो बड़े चाव से ली थी, छोटी सी। और ये है सेकंड वाली कढ़ाई, ये निर्लप की कढ़ाई है ये वाली। ये देखिए क्या हालत हुई कढ़ाई, ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये नॉनस्टिक थी, और सारी इसकी देखो उतर उतर के पॉलिश साइड साइड की रह गई। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जब जो नॉनस्टिक होता है ना उसमें क्या होता है, देर सवेर कभी ना कभी धीरे धीरे उसकी कोटिंग उतरनी शुरू हो ही जाती है, फिर उतरती उतरती वो सारे हमारे पेट में ही जाती है और बाद में उसकी हालत ऐसी हो जाती है। तो एल्युमिनियम के जो बर्तन है ना, एक इससे बड़ी कढ़ाई भी है मेरे पास, इससे भी बड़े साइज के, उसमें आज मैंने वो बना रखे हैं। आज मैंने खाने में बनाया है बेसन के गट्टों के साथ चावल, तो उस कढ़ाई में मैंने वो बना रखे हैं और बेसन के गट्टे, तो इसलिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज जो है ना मैं बता रही हूँ कि आज इसको मैं दोनों कढ़ाइयों को रिप्लेस करके क्या नया लेकर आई हूँ वो बताने वाली हूँ, और वो क्यों लाई हूँ। लाई इसलिए हूँ कि जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं वो जो है वो अच्छे नहीं होते सेहत के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से वो अच्छे नहीं होते। जो क्या होता था पहले पुराने ज़माने में, जब मतलब कि अंग्रेज़ों का शासनकाल था ना, तब जो ये अंग्रेज जो कैदी होते थे उनको क्या करते थे, एल्युमिनियम के बर्तनों में ही खाना बना के एल्युमिनियम के बर्तनों में ही परोसते थे। उनकी ये सोच थी कि एल्युमिनियम के एल्युमिनियम का यूज़ करने से वो जल्दी मर जाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो उनके बॉडी को कमज़ोर करने के लिए मतलब एल्युमिनियम जो है धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। पर पता है क्या है, उसके बाद जो है अब ये एल्युमिनियम सस्ता होने की वजह से पूरी इंडिया में फैल गया, इंडिया के बहुत सारी कंट्री में फैला होगा। सारे लोग मतलब एल्युमिनियम के बर्तन ही प्रेफर करते हैं। अब ये जैसे प्रेशर कुकर हैं वो भी एल्युमिनियम के हैं, मेरे पास भी प्रेशर कुकर हैं, पता है कितने अभी बदलते हैं। क्या करा कुछ दिन पहले, कम से कम 10-15 दिन हो गए जब इस पिछली बार मैं मायके गई, उससे पिछली बार जब मैं गई थी ना इराकी, एक स्टील के कढ़ाई जो कि कई दिनों से मेरी निगाह में थी कि मुझे लेनी है, क्योंकि मेरे पास स्टील की एक भी कढ़ाई नहीं थी तो मेरे को लेनी थी। तो उसके लिए पहले मैंने बहुत काफ़ी सर्च की थी, सर्च करने के बाद मैंने सोचा कि कौन सी कंपनी की कौन सी लेनी है, तो फिर मैंने वहीं पर ऑर्डर कर दिया था, तो पता भी उधर ही था इसलिए कढ़ाई भी उधर ही आई। और उसके बाद फिर वहाँ से वो देने के लिए मेरे को घर आए, मतलब कि मेरा भतीजा वगैरह अपने मामे के साथ आया यहाँ पे कढ़ाई देने के लिए। तो वो कढ़ाई जो है ना मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी, उसका उद्घाटन ही नहीं किया, तो मैं अभी आपको कढ़ाई दिखाती हूँ ताकि उसका जो है मैं उसमें खाना बनाना स्टार्ट कर सकूँ। पहले मैं कहीं दिखा देते हैं, चलो दिखाती हूँ आपको कढ़ाई। तो देखिए ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी और स्टील की कढ़ाई है, इसमें लिखा क्या है अमेजोन से आई है, देखिए यू आर ट्रस्टेड स्टोर इन, बस वही है, ईजी रिटर्न है, पे ऑन डिलीवरी। ये मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाई थी तो पेमेंट पहले कर दी थी। वैसे इसका ऑप्शन है कि आप जो ऑन टाइम डिलीवरी भी कर सकते हो, ठीक है। 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है सारा इसमें। और क्या, चलो ये डिब्बा को तो छोड़ो, ये तो बाहर का डिब्बा है, मैं आपको अंदर का डिब्बा दिखाती हूँ। इस तरह से पैकिंग में आया था, देखिएगा इसके अंदर ये वाला डिब्बा, ठीक है। तो एक मिनट, और ये कौन सी कंपनी की कढ़ाई ली मैंने और कितनी बड़ी ली है ये आपको बताती हूँ, ये देखिएगा कढ़ाई, ठीक है। और ये देखिए इसका उद्घाटन मैंने कहा कर ही लेते हैं, बहुत दिन हो गए इसको तो शुरू नहीं करा अभी। ये देखिए अब दिखाती हूँ मैं आपको, खोल के दिखाती हूँ। ये है 260 mm की, मतलब mm है, और 3.75 liter की कढ़ाई है ये। और ये आज का MRP था 2750 और मुझे पड़ी थी 2450 की, 2450 की पड़ी। और जो है इसके बाद ट्रैपलेट्स प्लस इसके साथ क्या क्या आया है ये देखिएगा, बिल भी साथ में है, रेजमेंट क्या भी देते, बिल का है, बिल का है, ये है शिपिंग एड्रेस, एड्रेस वगैरह पूरा दे रखा है, ठीक है। चलो ये मैं बाद में देखती हूँ। ये है साथ में इसकी बुकलेट है, एक बार बुकलेट हम पढ़ लेंगे यूज़ करने से पहले ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बाद में और आपको दिखाते हैं कढ़ाई में आपको। ये देखिए कितनी हैवी है और साइज़ देखिएगा, कंपनी भी अच्छी है ट्राईप्लाई स्टील भी, अलग अलग कंपनियों का मैंने आपको बताया होता है तो ट्राईप्लाई वाली बेस्ट है, ठीक है। और बस ये लिखा है नेक्स्ट जनरेशन हाई परफॉर्मेंस कुकवेयर, थिक गॉज है नीचे से, थिक देखिए कितना भारी है, हैवी है, कितनी है।
ठीक है, और इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल गैस एंड इंडक्शन कैपेबल, और टफ एंड ग्लास लिड, जिसका लिड जो है ना ग्लास का है, ग्लास का मुझे पसंद आया था क्योंकि इसकी जो मैंने सर्च करी थी साइज भी बड़ा है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, आराम से काम हो जाएगा इसमें। और ना मैं एक छोटी कढ़ाई बाद में लूँगी, स्टील की ही लूँगी छोटी कढ़ाई, एक बड़ी होनी चाहिए एक छोटी होनी चाहिए, लाइट निकल जाएगी उससे। और ये देखिएगा इसका ग्लास लिड, ठीक है, ये ग्लास लिड है इसका, ये पर यूँ आ जाएगा इसके ऊपर, इसे कट्टा हटा दूँगी तो ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये देखिएगा देखने में कढ़ाई कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे हम बनाना, इसमें आज तो नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। 26 सेंटीमीटर की है ये, इसकी जो है ये 26 सेंटीमीटर, इसके ना अलग अलग साइज आते हैं, ठीक है। और ये जो स्टील की कढ़ाई है ये कई कंपनियों की आती है, विनोद की भी कढ़ाई आती है और मैक्सिमम की भी कढ़ाई आती है। विनोद की और मैक्सिमा की कढ़ाई में क्या था कि उसका जो ढक्कन था वो स्टील का था, ठीक है, और वो मैंने क्यों नहीं ली। और इसके जो हैंडल थे वो मुझे पसंद नहीं आए थे, एक तो पहली बात ये, इसके मुझे हैंडल पसंद आया और इसका जो है ये ग्लास लिड मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने इसका जो इसमें छेद भी है देखिए, तो इसलिए मैंने ये वाली ली है स्टील की। और बस अब इसको कल से स्टार्ट करेंगे इसे बनाना, खाना इसमें बनाएंगे, कुछ मीठा बनाऊंगी कल। तो चलो आपको दिखा दी, मैंने काफ़ी बड़ा साइज है, मुझे पसंद आ रहा है, देखिएगा ना आराम से, हैवी बहुत है, हैवी में ना इसमें खाना अगर स्लो गैस पे बनाते हैं, और जो यानी कि आप गैस ऑन करके और उसमें कोई तड़का लगा रहे हो कुछ कर रहे हो तो आप चले जाओ, फिर वो तो नीचे चल जाएगा, पर ध्यान रखना पड़ता है ना, सील भी है तो स्लो गैस पे खाना बनता है। बाकी जो है कल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको रिप्लेस करा है मैंने इन दो कढ़ाइयों के बदले में, बस एक छोटी कढ़ाई भी लूँगी मैं छोटी आने वाले टाइम में, धीरे धीरे स्टील के बर्तनों में मतलब बर्तन ले लूँगी, एलुमिनियम रिप्लेस करती जाऊँगी धीरे धीरे, टाइम लगेगा क्योंकि महंगे आते हैं बर्तन, और जब भी लो तो एक बार वो कहते हैं ना कि महंगा रहो एक बार सस्ता रहो बार बार, सस्ती चीज़ ले लोगे तो बार बार वो उसमें दिक्कत आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम तो परेशानी होगी, और अगर आप महंगा लोगे तो चलो एक बार महंगा लिया ना, फिर वो जब ज़्यादा अच्छा चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए ये जो आज की वीडियो आ गई कढ़ाई पे, अब कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय।